नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय जिला सचिवालय में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि घरोंडा से सभी पार्षद यहां पहुंचे हुए हैं, जिनकी कुछ मांगे हैं, जैसे कि मानदेय की मांग हो बढ़ाने की, या फिर हो उनकी पेंशन से जुड़ी हुई योजना को लेकर, और काफ़ी सारी मांगे हैं। कुल 7 मांगों को लेकर यहाँ पर जो है ये लगभग कुल 7 मांगों को लेकर जो है यहाँ पर पहुँचे हुए, और जिसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन है आप देख सकते हैं ये सौंपा है। तो यहाँ पर फिलहाल सीधा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पहुँचे हुए हैं और सीधा जो है डीसी साहब से मिलकर आपने? 15 तारीख को ओंकार शर्मा गरोंडा से पार्षद हूँ मैं। 15 तारीख को भिवानी में एक सारे हरियाणा के पार्षद, और वहाँ पर निर्णय लिया गया था ये मांगे सर्वसम्मति से। एक सिर्फ करनाल जिले का विषय नहीं है, पूरे हरियाणा का विषय है भाई। पिछले 10 वर्ष से ना तो मानदेय बढ़ा पार्षद का, पार्षद को 4500 रुपये सरकार देती है, तो ये बंद कर दो भाई। ठीक है, हम फ्री में सेवा करे करते रहेंगे, ये तो एक भद्दा मजाक है। तो आपका जो अभी 4500 रुपये कुल पार्षद का मानदेय है जी भाई, जबकि विधायकों का एमपीओ का कहीं लाखों रुपए में है, उसके बाद पेंशन का, पेंशन नहीं है पार्षद के लिए कोई। हाँ जी, तो पेंशन है। और अगर एक बार कोई विधायक बन गया, एक बार की पेंशन, 4 बार बन गया 4 बार की पेंशन है भाई साहब। उसके अलावा क्या था कि जैसे कोई छोटा मोटा काम कराना है कहीं वार्ड में, स्वेच्छा से पार्षद अपने 10 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता। एक बजट निर्धारित प्रति एक वार्ड के लिए किया जाए भाई, 10-20 हज़ार 50 हज़ार का, उसमें 10 लाख की डिमांड हमने की एक साल के लिए, ये हो गया। तीसरा क्या था कि मेडिकल का भाई, मेडिकल तो आम सरकार आज एक आयुष्मान के तहत हर एक आदमी को दे रही है, कम से कम पार्षद के लिए मेडिकल सुविधा हो, जो कि मान लो प्रतिनिधियों को, विधायकों को, एमपीओ को मिल रही है और जो प्रतिनिधि उनको मिल रही है। चौथा क्या था कि टोल का विषय था भाई, टोल जैसे कहीं भी जाते हैं, मान लो काम से गए कहीं भाई, विधायक का टोल एग्जाम्प्ट, एमपी का टोल एग्जाम्प्ट है भाई, पब्लिक काम से जाते हैं हम, कोर्ट में आना पड़ गया पार्षद को, और 10 बार टोल क्रॉस करना पड़ा, 200 बार पे करना पड़ेगा उसको, ये डिमांड है। इसके अलावा छोटी मोटी और कहीं डिमांड, जैसे इसमें सात संतुष्टि पत्र के लिए, जैसे वार्ड में काम होता है, अब काम होने के बाद ठेकेदार की पेमेंट होगी, पेमेंट होने के बाद जवाब दे तो पार्षद की है, ठेकेदार काम करके चला गया, अधिकारी के पास कोई जाएगा नहीं, अगर उसमें टूट फूट कुछ आती है, अगर संतुष्टि पत्र पार्षद से लिया जाए सरकार द्वारा भाई, अगर कमेटी 4-5 बंदों की बनाई जाए जिसमें कोई संतुष्ट हो गए इस काम से, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि पार्षद का उस पर नियंत्रण रहेगा, ये नहीं है। इस पर 7 मांगे हमने इसमें रखी है, और मेडिकल एम की, और उसकी आपको बताई थी पेंशन की है, एक फाइनेंस कमेटी होगा उनका है, जैसे चुनाव द्वारा कराया जाए उनका, पहले क्या था चलो। लगभग 7 इनकी मांगे हैं जो कि आप खुद देख सकते हैं। इन्होंने फिलहाल डीसी साहब को ये ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री के नाम जरूर सौंप दिया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं विभोर गुप्ता हूँ, गरोंडा से पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 7 से। अभी हमारी पूरे हरियाणा स्तर पे 3-4 दिन पहले भिवानी में मीटिंग हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भाई सभी पार्षद जितनी भी नगर पालिकाएं अपने जिला स्तर पर अपने मुख्य जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी डिमांड सौंपेंगे। आज उसी के तहत हमने अपने डीसी साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा, और डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वस्त किया है भाई हम इसको मुख्यमंत्री जी की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, बाकी जो हमारे पार्षद साथी ने बताया वही हमारी मुख्य मांगे है। बिल्कुल, एक बार बात कर लेते हैं महिला पार्षद हमारे साथ में। मैम, क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहना है? असन से वार्ड नंबर 3 से ममता रानी। हाँ जी, हमारी भी वही मांगे हैं जो सबकी हैं। जी जी जी, हाँ जी, हम भी यही चाहते हैं कि पूरे हरियाणा को जो सुविधाएं हैं सबको मिलनी चाहिए। सारी जो मांगे हैं फिलहाल बता रहे हैं कि घरोंडा के सभी पार्षद आए हैं, तो बाकी बता रहे हैं कि ये अभी घरोंडा जिले के अंदर आते हैं, सब आए हुए हैं करनाल जिले के अंदर जो है वो सभी पार्षद आए हैं। कुछ सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो मांगे आपकी हैं, तो पहले इसके लिए आपने कोई पहले से भी कोई आज ही आपने मांग रखी या पहले भी कभी आपने? वैसे तो हमने आज ही मांग रखी है, पहले एसडीएम संत को ज्ञापन दिया था, ठीक है, अभी यहाँ डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, ये नहीं कि हम सरकार पे कोई धक्का कर रहे हैं। एक मतलब टोल 1000-2000 टोल नॉर्मल लग जाता है हमारा, ज़्यादा लग जाता है। हम तो सिर्फ एक रिहायशी और एक इनकम प्रमाण पत्र के लिए रह गए हैं, पार्षद ना तो कोई काम करवा सकता है, गड्ढा नहीं भरवा सकता पार्षद अपने पैसे, मतलब अपने निजी पैसे से भरवाना पड़ता है, मतलब वो सरकारी पैसे का प्रयोग नहीं कर सकता। हमारी तो सरकार से यही नीति लगा लो, गुजारिश लगा लो, आपके अधिकार बढ़ने चाहिए। हाँ जी, हमारे अधिकार बढ़ने चाहिए, एक हमारा टोल होना चाहिए, नहीं ये तो पार्षदों को मजबूर होकर काम रोको प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा, ये तो सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा। हमारी तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे काम सबके सभी पार्षदों की सुनवाई की जाए। क्या नाम है सर आप? शक्ति शर्मा, वार्ड नंबर पार्षद 11 नगर पालिका संत। जी जी, और संत से हैं, और फिलहाल आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर इन्होंने जो है ज्ञापन जरूर सौंप दिया है, अभी फिलहाल इन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही इनके जो ज्ञापन है उस पर संज्ञान लेते हुए आपको जरूर माना जाएगा। और आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।